हेलो फ्रेंड्स, आज हम दो तरह के देसी स्टाइल टाको बनाएंगे। कभी कभी कुछ नया, कुछ डिफरेंट खाने का मन करता है तो हम इन्हें फटाफट नाश्ते में, डिनर में या बच्चों के टिफ़िन के लिए भी बना सकते हैं। ये दोनों ही बहुत आसान और क्विक रेसिपी है। तो चलिए अपनी रेसिपी की तरफ। कॉर्न टाको बनाने के लिए सबसे पहले हम फिलिंग तैयार करेंगे। इसके लिए हमने एक बाउल लिया है। इसमें एक बारीक कटा बड़ा प्याज, एक बारीक कटा बड़ा टमाटर लेंगे, एक कप स्वीट कॉर्न है, इसे भी हमने रफली चॉप करके लिया है। इस फिलिंग में अगर आप और सब्जियां डालना चाहते हैं तो अपने मनपसंद की और सब्जी भी डाल सकते हैं। अब इसमें 1 टीस्पून ओरिगैनो और 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स डालेंगे। 2 टेबलस्पून मेयोनीज लिए, ये एगलेस मेयोनीज है, ये भी इसमें मिला लेंगे। 2 टेबलस्पून टमाटो सॉस लेंगे। 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून चाट मसाला और 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे। नमक आप अपने स्वाद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी एक प्लेट में एक रोटी लेंगे। ये रोटी हमने पहले से बना के रखी हुई है। अब इस फिलिंग के 2 चम्मच भर के रोटी के आधे हिस्से पर इस तरह से रखेंगे। इसको फोल्ड कर देंगे और इसको अच्छे से प्रेस कर देंगे जिससे फिलिंग निकले नहीं। दूसरी तरफ तवा गर्म करेंगे, उस पर 1 चम्मच तेल डालकर अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। हमने जो टाको बनाया है उसे दोनों हाथों से पकड़कर धीरे से तवे पर रख देंगे जिससे उसकी फिलिंग ना निकलने पाए, और उसे स्पैटुला से हल्के हाथों से प्रेस करते हुए सेकेंगे। ऊपर की तरफ भी 1 चम्मच ऑयल स्प्रेड करेंगे और उसको इस तरह से दूसरी तरफ पलट देंगे। इसे हमें मीडियम फ्लेम पर पलटते हुए दोनों साइड से क्रिस्पी होने तक हल्के हाथ से प्रेस करते हुए सेकना है। ये दोनों तरफ से क्रिस्पी सिक गया है। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए ये कितना अच्छा और क्रिस्पी सिका है। इसे कट कर लेंगे। ये देखने में जितना टेस्टी लग रहा है उतना ही हेल्दी भी है। अगर हम पहले से रोटी बनाकर रख लेते हैं तो ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं, और इस रेसिपी को हम बची हुई रोटियों से भी बना सकते हैं। बाकी बची हुई फिलिंग के भी इसी तरह से टाको बना लेंगे। चीज़ी पनीर टाको बनाने के लिए हमने एक बाउल में 1/2 कप पनीर क्यूब्स लिए हैं। इसमें 1/4 टीस्पून काले मिर्च पाउडर और 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। 1/2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर डालेंगे। इसको हल्के हाथों से टॉस कर लेंगे जिससे पनीर टूटे ना, और हमने जो मसाले व कॉर्नफ्लोर डाला है उसके पनीर के चारों तरफ अच्छे से कोटिंग हो जाए। अब इसको मैरिनेट होने के लिए 5 मिनट के लिए रख देंगे जिससे पनीर पर कोटिंग अच्छे से सेट हो जाए और जब हम उसे शैलो फ्राई करें तो वो हटे नहीं। दूसरी तरफ एक पैन गर्म करेंगे, उसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। इसमें हमने जो पनीर मैरिनेट करके रखा हुआ था उसको डाल देंगे। पनीर को हमें इस तरह से पलटते हुए चारों तरफ से शैलो फ्राई करना है। गैस को अभी मीडियम फ्लेम पर ही रखना है। इसे सिकते हुए 2-3 मिनट हो गए हैं। देखिए चारों तरफ से बहुत अच्छे से सिक गया है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। अभी उसी पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल और डालेंगे। इसमें एक प्याज डालेंगे, इसे हमने इस तरह से लंबा कट कर लिया है। इस प्याज को हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, इसे हमें ट्रांसलूसेंट होने तक पकाना है। अब इसमें एक बड़े टमाटर को बारीक कट करके लिया है, वो डाल देंगे और इसे 2-3 मिनट के लिए पकाएंगे। अभी इसमें 2 टेबलस्पून टमाटो सॉस डालेंगे, 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस, और इसको मिक्स कर देंगे। इसमें 1/2 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून ओरिगैनो और 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हमने जो पनीर फ्राई करके रखा था इसमें वो डाल देंगे और इसको अच्छे से टॉस कर लेंगे। अभी लास्ट में इसमें 1 टेबलस्पून चीज़ स्प्रेड डाल देंगे। अगर आपके पास घर पर चीज़ स्प्रेड नहीं है तो आप चीज़ क्यूब को ग्रेट करके भी डाल सकते हैं, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी एक रोटी लेंगे, और हमने जो पनीर की फिलिंग बनाई है इसको रोटी के 1/2 साइड में इस तरह से रख देंगे। हमारे पास ये डाइस्ड मोज़रेला चीज़ है, ऊपर से अभी ये डाल देंगे।
अगर आपके पास डाइस्ड मोजरेला चीज़ नहीं है तो आप इसके ऊपर से अपने मनपसंद कोई भी चीज़ ग्रेट करके डाल सकते हैं। इसे फोल्ड कर देंगे और थोड़ा प्रेस कर देंगे। अभी तवे पर एक चम्मच तेल डालेंगे और उसको अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे और इस टाको को भी दोनों हाथ से पकड़कर धीरे से तवे पर रख देंगे जिससे इसकी फिलिंग ना निकले, और हल्के हाथ से स्पैटुला से प्रेस करते हुए सेकेंगे। इसके ऊपर की तरफ भी एक चम्मच तेल डालेंगे और इसको इस तरह से ध्यान से पलट देंगे। देखिए कितना बढ़िया सिका है, इस पर कितना अच्छा कलर आया है। इसे भी हमें मीडियम फ्लेम पर दोनों साइड से पलटते हुए क्रिस्पी होने तक हल्के हाथ से प्रेस करते हुए सेकना है। ये दोनों साइड से अच्छे से सिक गया है, देखिए कितना अच्छा कलर आया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और कट कर लेंगे। हमारा चीज़ी पनीर टाको रेडी है। ये देखने में जितना अच्छा लग रहा है खाने में भी उतना ही टेस्टी है। आज की हमारी दोनों ही रेसिपी एकदम आसान और जल्दी से बनने वाली है। अब अगर कभी रोटी बच जाए तो ये मज़ेदार सी रेसिपी आप फटाफट से बना सकते हैं। तो इसे आप भी अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, और अब तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें जिससे हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू।